Hello friends this is Rohit Gupta welcome to my channel crack competition आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्र की कंटेनमेंट बोर्ड की जैसे कि आपको मालूम ही होगा हमने रिसेंटली कवर करी है ग्रुप ए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में से जितने भी टेंथ पास ट्वेल्थ पास एंड अबव ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं आप सभी इस वैकेंसी के लिए अपलिकेशन दे सकते हैं तो डिटेल में मैंने आपको बताया था लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है जिस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और हम बात करेंगे डिटेल में चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू ईयर्स हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो शेयर जरूर करें वीडियो को जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलती रहे बिकॉज जो हमारा चैनल है ऑल ओवर इंडिया में टेंथ पास हो ट्वेल्थ पास हो सभी कैंडिडेट के लिए हर एक रिक्रूटमेंट कवर करता है सभी पोस्ट की तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा खड़की छावनी परिषद की भर्ती है हमने डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है तो एग्जाम पैटर्न डिटेल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी पोस्ट थी मैं इसकी पी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसमें ये सारी पोस्ट हैं जिसमें स्टेनोग्राफर की माली बॉय डॉन्ट कीपर वॉचमैन तो ये सभी पोस्ट इंक्लूड हैं तो आज की जी में हम बात करेंगे इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल आप छः सौ की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी छः सौ और तीन सौ की आप इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हो नेक्स्ट चलते हैं अपनी इस तरीके से ये वेबसाइट आप इसके एप्लीकेशन दे दोगे उसके बाद आपको किस तरीके से सेंड करना है और ये देखना देख सकते हो द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट बाय पोस्ट इज सिक्स मार्च 2023 अप टू 5 पीएम तो छः 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 मार्च तक आपके ये फॉर्म वगैरह स्वीकार किए जा रहे हैं लास्ट डेट आपकी रखी गई है तो छः मार्च से पहले पहले आप इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं फीस वगैरह आपके लिए आपको बता दी गई है बाकी जो भी डिमांड ड्राफ्ट से सेंड करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा आप इसके नाम पे आपको निकलवानी पड़ेगी पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हो तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होंगे और आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो जिस तरीके से भी आप चाहो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बाकी इंस्ट्रक्शन फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से आप दे सकते हो इन सभी पोस्ट के लिए स्वीपर मजदूर प्यून वार्ड बाय वार्ड माली कीपर ड्रेसर फायरमैन एंड वॉचमैन के लिए ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए हैं बाकी सभी पोस्ट हैं उसके लिए आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हो तो ये वेबसाइट पे फॉर्म सिर्फ इन्हीं पोस्ट के अवेलेबल हैं चलते हैं अपनी एग्जाम पैटर्न के ऊपर किस तरीके से आपको रिसलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ये सभी पोस्ट हैं जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रार पेजिस्ट्रेशन ऑफ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर का आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सिलेक्शन विल भी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इंटरव्यू और फिर पर्सनलिटी टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट है हमारी एक्सरे टेक्नीशियन की फार्मासिस्ट फिजियोथेरापिस्ट फ्यून सैनिटरी इंस्पेक्टर की तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका रिटर्न टेस्ट आएगा जो कि हंड्रेड मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव पेश रहने वाला है ओएमआर पे और नेक्स्ट आफ्टर आपका जो भी है क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट तो जो भी है आपका एडमिट कार्ड में अपडेट दे दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आने वाला है और जो भी कैंडिडेट जो भी पास करेंगे अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को आपका जो वेबसाइट पर रिजल्ट शो कर दिया जाएगा बाकी इस पोस्ट में कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह दिख नहीं रहा है मेरे को और इसमें कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह इसमें मोस्टली कंप्लीट नहीं कराया जाएगा बाकी जैसे कि देख सकते हो नेक्स्ट टाइम हमारी जो भी है स्टेनोग्राफर माली की पोस्ट है ड्रेसर वार्ड बाय कीपर मजदूर वॉचमैन फायरमैन कारपेंटर, स्वीपर इसमें सिलेक्शन विल बी मे बेस्ड अ रिटन टेस्ट होगा हंड्रेड मार्क्स का और इसमें आपको नाइन्टी मिनट्स दिए जाएंगे एम एम आर बेस्ट होगा और नेक्स्ट आफ्टर आपका जो बी क्वालीफाई करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन बी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो स्किल टेस्ट आपका इन सभी पोस्ट का कराया जाने वाला है बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी तो फॉर ईच क्वेश्चन द विच आर रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द वन थर्ड जीरो पॉइंट थ्री थ्री नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट क्वेश्चन विल बी डेरेक्टेड मतलब अगर आप तीन क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही जो क्वेश्चन है वो भी गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी इनफ रखी गई ए वन थर्ड की लेकिन वैसे और एग्जामिनेशन में वन फोर्थ की रही जाती है पर लेकिन इसमें आपको वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग है जबकि तीन गलत करोगे तो एक सही अटेम्प्ट किया वो भी गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी बात करते हैं ये सभी पोस्ट में आपका रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं होगा किस किस पोस्ट में होगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन द पेपर शैल बी कंडक्टेड इन टू नाइन्टी मिनट्स तो नब्बे मिनट्स का होने वाला है जो कि हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हंड्रेड क्वेश्चन होंगे तो कुल मिला मैं बात करूँ तो आपका वन एंड हाफ आवर्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा एंड जिसमें आपको हंड्रेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इक्वलेंट होंगे हंड्रेड मार्क्स के मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का तो इजीली समझ के होंगे आप जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग से जनरल अवेयरनेस से मैथ से इंग्लिश से और द फिफ्टी मार्क विल बी स्पेसिफिक कोर्स बेस्ड ऑन द रेंशियल क्वालिफिकेशनस तो जिस भी पोस्ट के लिए अपलिकेशन दे रहे हो उसके हिसाब से आपको पचास मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको उस पोस्ट रिलेटेड कुछ नॉलेज है या नहीं तो चेक की जाएंगी कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी ऑफ अ पोस्ट सीरियल नंबर पंद्रह से टेन फिफ्टीन से इक्कीस अंडर द टोटल हंड्रेड मार्क्स का आएगा जो कि अंग होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ्स एंड इंग्लिश ओनली तो ये चार सेक्शन पूछे जाएंगे अब बात करते हैं किस किस पोस्ट का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है रजिस्ट्रार में कोई रिटेन नहीं होने वाला, में कोई रिटेन नहीं होने वाला वाला में 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 कोई नहीं में कोई में नहीं नहीं असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है बात करते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हो तो ये सभी सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव चार सौ सेक्शन तो हमेशा रहते हैं पांचवा सेक्शन इसमें ऐड किया गया रिलेटेड टू द फार्मेसी आपको जो भी है दवाई वगैरह से रिलेटेड आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके एग्जाम एग्जामिनेशन में फिजियोथेरापस्ट की आपकी ये चार सेक्शन से नेक्स्ट आपकी पाँच वे जो है ये आपका इस पोस्ट रिलेटेडेडेटेडेड क्वेश्चन पाएंगे सो so, सारे मैंने बताया ना आपको जो भी हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे सभी पोस्ट के जो कि हंड्रेड मार्क्स के होने वाले हैं बाकी अगर आप जैसे देखो पाँच सेक्शन से पूछ जा रहे हैं तो बीस बीस आ सकते हैं किसी में थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं तो आपके हंड्रेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बाकी जिसमें चार सेक्शन ही आ रहे हैं तो उसमें पच्चीस पच्चीस के क्वेश्चन आपके डिवाइड किए जाएंगे नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की तो स्टेनोग्राफर के में भी पाँच पोस्ट है पाँच सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से जनरल अवेयरनेस से मैथ्स से इंग्लिश से कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज ऑफ इंटरनेट तो ये सभी पोस्ट है कंप्यूटर की पोस्ट है कंप्यूटर पर काम करना है तो ये सभी नॉलेज वगैरह आपको होनी चाहिए इस पोस्ट रिलेटेड तो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड पाँचवें सेक्शन में ये सभी चीज़ पूछे जाएंगे ऐसी माली में पाँचवें सेक्शन में एड होंगे बाकी चार सेक्शन तो कंपलसरी है ऐसे ड्रेसर में पाँचवें सेक्शन में ई सिलेबस रिलेटेड टू ड्रेसर एंड वार्ड बॉय में भी ये चार सेक्शन से पूछे जाएंगे वार्ड बॉय में, में भी चार सेक्शन से वार्ड आया में चार सेक्शन से पाउंड कीपर में भी चार सेक्शन से पूछे जाएंगे मजदूर में, में, में भी आपके चार सेक्शन से पूछे जाएंगे वॉचमैन में भी चार सेक्शन पी में भी चार सेक्शन है फायरमैन में भी आपके ऑलमोस्ट पाँच सेक्शन देखने को मिलेंगे जो कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फायरमैन पोस्ट रिलेटेड कारपेंटर में पाँच क्वेश्चन पाँच सेक्शन से पूछे जाएंगे मैसन से भी पाँच सेक्शन से वायरमैन से पाँच सेक्शन से सैनिटरी इंस्पेक्टर से भी पाँच सेक्शन से पांचवा सेक्शन है पोस्ट रिलेटेड आपको नॉलेज होने चाहिए चार सेक्शन स्वीपर से पूछे जा रहे हैं रीजनिंग का सिलेबस इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीन ले सकते हो और क्वान्टिटेटेड एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है इंग्लिश का सिलेबस ये है बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल आपको देता रहेगा समय समय पर स्किल टेस्ट आपको देख सकते हो शॉर्ट एंड एट हंड्रेड वर्ड पर मिनट डेन टाइपिंग स्पीड ऑफ़ फोर्टी वर्ड पर मिनट डेन इंग्लिस और ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो नॉलेज वगैरह होनी चाहिए स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा आशा करता हूँ सभी की जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो चुकी होगी आज की इस वीडियो में तो वीडियो को क्या कर देना है लाइक like करना है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो चार फरवरी से इसकी जो फॉर्म वगैरह स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली आप इस भर्ती के लिए अपलीकेशन जरूर दें और ऐसी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन की वैकेंसी के अपडेट्स आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ साथ ही हम आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो